दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और 18 जुलाई 2023 से अधिक मास शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से सावन में सभी लोग सावन के महीने में खाने पीने में सावधानी रखते हैं, उसी तरह अधिक मास में भी सभी लोग को ये जानना है कि अधिक मास में वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि सावन की तरह अधिक मास भी अपना एक विशेष महत्व रखता है और अधिक मास में नारायण की भक्ति की जाती है। तो इसीलिए इस पवित्र महीने में जब तक पूजा पाठ आराधना और साधना के साथ लोगों को अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन जरूर करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गुरुजी ने सावन के महीने में कौन कौन सी चीजें खाने के लिए अपने भक्तों को कहा है। दोस्तों गुरुजी का कहना है कि 3 सालों में एक बार आने वाला अधिक मास या मल मास लक्ष्मी जी और नारायण को समर्पित होता है और यदि चौमासे के बीच में अधिक मास आता है तो इस समय महादेव और नारायण साथ में पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं और इस बार तो अधिक मास के योग सावन के पवित्र महीने के बीच में आए हैं। तो सावन और अधिक मास का ये शुभ संयोग आप सभी के लिए बेहद ही शुभ संकेत हो सकता है। ऐसे में गुरु जी की कही हुई 3 चीजों का सेवन प्रत्येक मनुष्य को जरूर करना चाहिए। तो गुरु जी का कहना है कि अधिक मास के महीने में आपको केले का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि नारायण की कोई भी पूजा हो, फिर चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो या फिर कोई और पूजा, सभी में केले के पत्तों का और केले के फल का विशेष रूप से महत्व बताया जाता है। साथ ही नारायण जी को केला बहुत पसंद है। तो गुरु जी का कहना है कि आप अधिक मास में गुरुवार वाले दिन को छोड़कर किसी भी दिन केले का सेवन जरूर करें। आप पहले नारायण को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं केले को खाएं। साथ ही ये भी बता देते हैं कि गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है और इस दिन केला खाना वर्जित माना जाता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपने भक्तों को अधिक मास के दौरान चने खाने की भी सलाह दी है। गुरुजी का कहना है कि अधिक मास में सत्तू का विशेष महत्व होता है, तो अगर आप सत्तू बनाकर लोगों को दान देते हैं, ईश्वर को सत्तू का भोग लगाते हैं और सत्तू को खुद ग्रहण करते हैं तो इससे नारायण तो प्रसन्न होते ही है, आप तन और मन से शीतल भी रहते हैं। इसीलिए हो सके तो अधिक मास में आप चने का सेवन भी जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे कि रविवार वाले दिन चने का सेवन नहीं किया जाता क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग रविवार के दिन चने का सेवन करते हैं उन्हें राहु की कुदृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए रविवार को छोड़कर आप अधिक मास में किसी भी दिन चने का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने अधिक मास के दौरान अपने भक्तों को खीरा खाने के लिए भी कहा। गुरुजी कहते हैं कि खीरे में पानी की अत्यधिक मात्रा होती है, तो एक तो अगर अधिक मास के दौरान आप पूजा की सेवा में मग्न रहते हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं और वही ईश्वर का स्मरण करते हुए उनकी साधना करते हैं तो खीरा खाने की वजह से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और आपको कमजोरी नहीं आती है। साथ ही खीरा नारायण जी के प्रिय भोजन में से एक माना जाता है, इसीलिए अधिक मास के दौरान आप खीरे का सेवन भी जरूर। गुरुजी का कहना है कि अधिक मास के दौरान अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में केवल एक ही समय भोजन ग्रहण करें। वहीं अगर आप बीमार हैं या दवाइयां लेते रहते हैं तो आप अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें और 2 बार भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। गुरुजी का कहना है कि ईश्वर ये नहीं कहते कि आप उनके लिए भूखे रहें, बल्कि ये कहते हैं कि आप पूरे तन और मन से ईश्वर को समर्पित हो जाएं और इंद्रियों को अपने वश में रखने पर ही मनुष्य आध्यात्म की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है। तो इसीलिए आपको भौतिक वस्तु का त्याग करना जरूरी होता है। इसी के साथ अधिक मास के दौरान आप मांस, मछली, मदिरा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट जैसे व्यसनों का भी त्याग कर दीजिए क्योंकि ये सभी तामसी भोजन में आते हैं और आपके मन और बुद्धि को राक्षसी बनाते हैं। इसी के साथ अधिक मास के दौरान आप मांस, मछली, मदिरा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजों को भी त्याग कर देना है क्योंकि ये सभी तामसी भोजन में आते हैं और आपके मन और बुद्धि को राक्षसी बनाते हैं जो आपको ईश्वर तक पहुंचने से रोक देते हैं। तो इसीलिए अधिक मास के दौरान आप सात्विक भोजन लें, कम मिर्च मसाले और कम तेल वाला भोजन ग्रहण करें और कोशिश करें कि अपने भोजन में बेसन की बनी हुई वस्तुएं जरूर शामिल करें। इसी के साथ अगर आप सक्षम हैं तो दिन में एक बार भोजन करें और अन्यथा आप 2 बार भी भोजन करके नारायण की भक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई अधिक मास के भोजन करने के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा।
दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।